रोग है। आई फ्लू बहुत चल रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हमारा नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गई है और यहाँ पर मैंने ये लड्डू गोपाल जी के लिए अपने उनके लिए दूध लड्डू और कृष्णा के लिए दूध रखा हुआ है, उसको दूध दे रही हूँ मैं। और तो यहाँ पर मेरे दो गिलास दूध तैयार हो गए हैं लड्डू और कृष्णा के लिए। तो पहले मैं उनको दूध दे देती हूँ और फिर कर बनाते हैं हम अपने लिए चाय। तो दूध लेके जा रहे हैं कृष्णा को। और ये बनाती मैंने चाय हस्बैंड के लिए और अपने लिए चाय। और ये बन रही है चाय। स्माइल करते रहिए क्योंकि सारी प्रॉब्लम की जड़ जो वो है ना दवाई, वो सिर्फ स्माइल से ही है। वो स्माइल करोगे सबके सामने तो सारी प्रॉब्लम अपना भी दूर हो जाती है हमारी। और आजकल फ्रेंड्स आई फ्लू बहुत चल रहा है, हर घर घर में चल रहा है आई फ्लू। ख्याल रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, बच्चों का खास कर ध्यान रखिए। और अगर होता है आई फ्लू तो डॉक्टर को दिखाएं। और हल्की आँखों की स्वेलिंग हो रही है तो उसमें बर्फ से सिकाई कीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर भी बहुत चल रहा है आई फ्लू, ख्याल रखिए अपना। मेरे जो व्यूजर है, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मुझे मालूम है कि वो सब अपना अपना ख्याल रख लेते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक DIY। वो कार्डबोर्ड लेके ना, जो ऊपर का ब्राउन पेपर होता है तो उसको बहुत ही पेशेंस से निकालना पड़ता है। और देखिए उसके अंदर जो डिजाइन बना हुआ है लाइनिंग, तो उसको निकालना है साफ़ सुथरे तरीके से। बस थोड़ा सा ना पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है और आराम से निकल जाता है। और इससे ना बहुत ही प्यारे प्यारे DIY बनते हैं। तो आज इसी से मैं जो अपना DIY बना रही हूँ इसको निकाल के बहुत ही प्यार से। कभी कभी ना मुझे प्रॉब्लम भी आ रही थी निकालने में, इसको पेपर को निकालने में चिपक जा रहा था, तो इसलिए बहुत ही आराम से निकालना। और दूसरी साइड से तो बहुत ही आराम से निकल गया था। देखिए इसको निकाल के हमने दोनों को अलग अलग कर लेना है। पहले निकल जाता है ईजली, पर धीरे धीरे आप तीनों साइड से निकालेंगे ना हल्के से। और अगर आप नहीं निकलता है तो आप इसकी पहले लीव काट लीजिए, फिर उसके बाद जिस हिसाब से आपकी कटिंग करनी है उस हिसाब से काट के फिर निकाल लीजिए, तो आराम से निकल जाता है। तो मैं तो कभी लीव काट ले रही थी, कभी निकाल ले रही थी। ये देखिए कितने आराम से लीव काट के ना बहुत आराम से ईजिली निकल जा रहा था। अच्छा लगता है अपने हाथ से बनाए हुए DIY। तो देखिए कितने प्यार से आराम से पेपर वो करके निकल जाता है, निकल चुका है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लीफ बन के तैयार है मेरी ये पत्ती। और ऐसे करके सारी पत्ती तैयार कर लेंगे पहले हम, और फिर बीच में से इसको एक कट देके ना, और ग्लू गन की उससे या फेविक्विक, मैंने तो फेविक्विक से कर रही हूँ सारा काम, ग्लू गन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इससे आसानी से अच्छे से चिपक जा रहा है। और यहाँ पर एक गत्ता लेके उसको गोल रिंग के अनुसार काट रही हूँ, जितना बड़ा मुझे साइज चाहिए उस हिसाब से। और दो पीस काट लिए मैंने और एक पीस में तुम लगाएंगे, साथ में बन गए मेरे पकोड़े और चाय। गर्मा गर्म पकोड़े खाइए और चाय, और फिर लग जाते हैं अपने काम पे। तो फ्रेंड्स हो चुका है नाश्ता छोटा सा बीच में। और ये देखिए सारे चिपका दिए मैंने, लीव की तरह चिपकाने हैं सारे गोलाई से लगा के। और ये ले लिया मैंने गोल्डन कलर स्प्रे वाला, और ये देखिए इसमें आवाज़ आ रही है। और इसमें पहले मैं कर रही हूँ गोल्डन कलर कर लेते हैं।
इसमें गोल्डन कलर, फिर उसके आगे का बताते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक छोटा मिरर था गोलाई से, तो ये मेरा ख़राब हो गया था तो मैंने इसको यूज कर रही हूँ, और इसमें चारों तरफ से गोल्डन कलर करके लीव जो पत्तियाँ बनाई हैं इनमें बीच में नहीं करना है, और इसमें मैं लगा दूँगी फिर मिरर। अभी आपको बना के तैयार करके दिखाती हूँ कैसा लग रहा है आज का DIY। अगर फ्रेंड्स पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एक हैवी बर्न है ये मेरे पास, तो हैवी क्विक, तो इसकी मदद से मैं मिरर को लगाऊंगी और थोड़ी देर के लिए दबा के रख दूंगी। देखिए बहुत अच्छे से चिपक जाएगा ये आपका मिरर, और दोनों साइड मिरर में भी लगा देंगे और उसमें भी, तो काफ़ी अच्छे से पकड़ बना लेता है अपनी। देखिए बहुत सुंदर लग रहा है बनने के बाद। और मेरे पास तीन थे तो मैंने तीनों बना लिए। देखिए तो चलिए इनके पीछे मैं ये लेके आई थी, लेस पड़ी हुई थी, लेके क्या आई थी मुझे ढूंढनी पड़ी। और ये ना जो यहाँ पर साइड साइड से है, इसको मैं इससे कवर कर लेती हूँ। ठीक है, इससे कवर करने के बाद आपको दिखाती हूँ। बनाए हैं DIY, तो उसको इस वॉल पे लगाती हूँ मैं। तो आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ठीक, देखिए फ्रेंड्स ये लगा दिया है। और आप लोगों को कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।